नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार, मानसिक स्वास्थ्य नशा रोग विशेषज्ञ एवं साइकोलॉजिकल काउंसलर माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सूरतगढ़ से आज आपके बीच में आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, एक शो के माध्यम से, माइंड केयर डिजिटल चौपाल लेकर। माइंड केयर का मतलब अपना माइंड, अपना दिमाग, इसकी बहुत ही अच्छे से देखभाल करें। और ये हमें जीवन की जितनी भी जो खुशियां हैं, जितने भी सुख है, वो एक अच्छा माइंड ही दे सकता है। हम सब अगर माइंड की देखभाल करेंगे, माइंड को अच्छा रखेंगे, तो हमें बहुत सारे सुख मिलेंगे। और इन्हीं सुख को कहा जाता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। तो माइंड केयर की बात होगी। इसके अलावा हम ये प्रोजेक्टर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से भी आप सभी के बीच में जाएगा, मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इसके अलावा गांव-गांव तक, ढाणी-ढाणी तक, शहर से लेकर गांव तक, प्रोजेक्टर से बड़ी स्क्रीन के माध्यम में भी आपके बीच में आएगा। और इतना ही नहीं है, जितना हमसे हो पाया तो हम भी आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। ये पूरा प्रोग्राम जब खत्म होगा, लगभग 40 मिनट 50 मिनट आपको धैर्य के साथ में सुनना है, बीच बीच में कुछ बहुत ही अच्छे जो मोटिवेशनल जो गाने हैं वो भी हमारी टीम आपके लिए लगाएगी, लेकिन लास्ट में आपके जो भी सवाल बचे वो भी हमसे देने हैं। हम इसका जो मोटिवेशन है वो देना चाहते हैं हमारे श्रीगंगानगर जिले के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, तो कलेक्टर साहिबा हैं डॉक्टर मंजू जी, जो कि महिला और प्रसूति विशेषज्ञ हैं। उन्होंने गांव गांव के अंदर नशे को लेकर, नशा मुक्ति को लेकर विभिन्न चौपाल कार्यक्रम किए, तो हमें भी बड़ा मोटिवेशन मिला कि हम भी चौपाल कार्यक्रम करें। और ये माइंड केयर डिजिटल चौपाल जो है उन्हीं की प्रेरणा से मिला है, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। इसके अंदर हम करेंगे क्या, हम मुख्य तौर पर तीन प्रकार की बात करेंगे। पहली बात हमारे बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित बात होगी कि शिक्षा जो है किस प्रकार से रहे, इससे जुड़े हुए विभिन्न सवाल लेंगे। दूसरी बात हमारे स्वास्थ्य के लिए होगी, जिसमें हमारा शरीर बहुत ही अच्छा स्वस्थ रहे, महिलाओं के लिए विशेष तौर पर, बुजुर्गों के लिए, या फिर इसके साथ में माइंड की बात होगी, मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा बहुत ही अच्छा रहे। और इतना ही नहीं, अपना जो तीसरा जो बहुत ही अच्छा जो मुद्दा है, इसमें हम रोजगार और नशा मुक्ति की बात करेंगे कि किसी इंसान को रोजगार तभी मिल सकता है भले वो किसी दूसरे के साथ में मिलके काम करे, या फिर वो इंसान खुद का कोई काम स्टार्ट करे। वो काम तभी हो सकता है जब हम, वो इंसान अपने माइंड को अच्छा रखेगा, खुश रहेगा, तभी वो औरों को खुशियां देगा। इतना ही नहीं, अगर वो इंसान नशे से दूर रहा, नशे से मुक्त रहा, तो भी वो इंसान बहुत आगे बढ़ेगा। तो बहुत ही खुशी है मुझे कि मैं आज आप सभी के बीच में ये प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं। इसके साथ में हम एक ऐसे किरदार को भी इसके अंदर शामिल करेंगे जो किरदार आपके लिए बहुत सारे सवाल पूछेगा, और उस किरदार का नाम है गजोदर। अब ये किरदार कौन है? गजोदर एक 19 साल का युवा है, लड़का है, और वो अपने जीवन को बहुत ही सुनहरे तरीके से जीना चाहता है, बहुत ही अच्छे तरीके से जीना चाहता है। और उसका एक शॉर्ट नाम भी है, वो है गज्जू। तो गजोदर उर्फ गज्जू को भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और गजोदर और गज्जू जो है वो बहुत सारे सवाल पूछेगा, ये जो तीन मैंने बातें बताई इससे संबंधित वो सवाल पूछेगा, और उसका जवाब देने के लिए मैं भी उपस्थित रहूंगा, और मेरे साथ में बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो भी आने वाले हैं। तो हम सब मिलकर ये 40-50 मिनट का जो प्रोग्राम है, ये पूरा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से इसका आनंद लेंगे। बीच बीच में जो गाने आएंगे, जो मोटिवेशनल सॉन्ग आएंगे, जैसे कि कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, तो इस प्रकार के गाने जो आएंगे, चक दे इंडिया, तो ऐसे गानों पर अगर आप सभी, अगर इसको युवा लोग देख रहे हो और बहुत ही अच्छा म्यूजिक है, डीजे का अगर साउंड है, तो वहां पर आप डांस भी कर सकते हो। बड़ी ही
शानदार ये प्रोग्राम होने वाला है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।